अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरे चैप्टर की तरफ हैं। चैप्टर 3 फ्रैक्शन, सही है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? मैथ्स में फ्रैक्शन एक किसी भी होल पार्ट में से किसी भी पार्ट को रिप्रेजेंट करना, उसे कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, पेज नंबर 99 से आपका फ्रैक्शन का स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 100 है। पेज नंबर 100 पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, टेक द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इन हाफ। ठीक है, जो हाफ हैं शेप्स उन पे टिक लगाना है। जस्ट लाइक देखें, ये शेप बना हुआ है, ये दोनों हाफ हैं, हाफ कलर्ड है हाफ अनकलर्ड है, इस पे टिक लगा दीजिए। और देखिए ये हाफ है, इस पे टिक लगाइए। यहाँ ये यहाँ पे ये हाफ है, ऐसे टिक लगाइए। बुक में ही काम करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, कलर्स वन हाफ ऑफ ईच शेप, वन हाफ कलर करना है। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, इसका हाफ क्या होगा, इन दो पे कलर कर दीजिए। ठीक है, सही से कलर करिएगा। 1 एंड हाफ ये हो गया कलर, इस पे एक पे कलर कर दीजिएगा। यहाँ पे भी 1 पे कलर करना है, यहाँ पे भी 1 पे कलर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइडेड दिस कलेक्शन इन हाफ। जो आपको कलेक्शन दी हुई है उसको हाफ ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, कितने, 1, 2, 3, 4, 5 अलग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसी तरह से ऐसे इसको भी अलग कर दीजिए हाफ में, ऐसे इसी तरह भी इसको भी और इसे भी। 4 है, टेक द शेप्स दैट हैव 1/4 शेडेड। 1/4 क्या होता है, पूरे यानी कि उसका एक क्वार्टर, एक हिस्सा निकालना, 1/4 निकालना। तो देखें 1, 2, 3, 4 है यहाँ पे पार्ट्स, इसमें से 1 कलर कर दिया तो ये हो गया 1/4। ठीक है, इस पे टिक लगाना है। ये तो नहीं है, ये देखिए 1/4 कलर्ड है, 1/4 है, इस पे कलर टिक लगाइए। यहाँ पे भी 1/4 है, इस पे टिक लगाइए। नेक्स्ट पेज पे आइए, 101। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द शेप हैज़ बीन कलर्ड 1/2 or 1/4 राइट इन द बॉक्स। देखें फ्रैक्शन बताना है इस शेप्स के जो कलर्ड हुए हुए हैं। ठीक है, बॉक्स में लिखने हैं 1/2 या 1/4। 1 has been done फॉर यू, एक डन किया हुआ है। ये देखें 1 and half। ठीक है, 1 and half क्या होता है, हाफ कलर्ड है और हाफ कलर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये 1 and half है। अब ये देखें 1 कलर्ड है और 3 पार्ट्स को छोड़ा हुआ है, तो ये क्या आएगा, 1/4। 4, 1, 2, 3, 4 और 1 कलर्ड है, जो पार्ट कलर्ड है वो ऊपर लिख दिया शेडेड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 1/4। नीचे आइए, डी है, यहाँ पे भी 1/4। अच्छा, ये देखें हाफ कलर्ड है, हाफ रहने दिया है, तो 1/2, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपको कलर करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही कलर करेंगे, अभी आपने लिखे थे। ठीक है, फ्रैक्शन बताया था, अब आप इसको कलर करके बताइए। पेज नंबर 104 पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ, टिक द शेप्स इन विच 3/4 ऑफ द फिगर हैज़ बीन कलर्ड। ठीक है, 3/4 बताना है, यानी कि 3 शेडेड हैं। ठीक है, और टोटल कितने, 4 पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो टिक लगाइए, ये करेक्ट है। ठीक है, 3/4 3 शेडेड पार्ट हैं, 4 टोटल पार्ट हैं, 3/4। ठीक है, और नहीं है इसमें। अब यहाँ पे भी आप क्या करिए, 3 शेड्स कर दीजिए, एक को रहने दीजिएगा। ये भी इसी तरह से करिए, ये भी इसी तरह से, और ये भी। नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज है 106। 106 पे लुक एट द स्ट्रिप्स, फॉर ईच स्ट्रिप कलर 1 पार्ट। हर एक एक स्ट्रिप में 1 पार्ट को कलर करना है एंड राइट, और उसके लिखना है फ्रैक्शन 1/4, जैसे कि 1/6, 1/3 etc इन द सर्कल, सर्कल्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पूरा 1 पार्ट कलर है, 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 पार्ट कलर है, 1/2 लिख दिया। ठीक है, 1 पार्ट को कलर करना है, 1 को रहने देना है। यहाँ पे इसी तरह से एक कलर्ड करिए। ठीक है, ये आप सही से कलर करिएगा। यहाँ लिख दीजिए 1/3, 1 कलर्ड है ना, और टोटल कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से सेकेंड स्ट्रिप, फोर्थ स्ट्रिप में भी 1 को कलर करिए, और इसी तरह से लिखिए 1 कलर्ड है और टोटल कितने पार्ट हैं, 4, 1/4। ठीक है, 1 कलर करिए, यहाँ पे टोटल कितने स्ट्रिप हैं, सॉरी एक स्ट्रिप में 1 पार्ट को कलर्ड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 1/5
फिफ्थ लिखा, 1/6, इसी तरह से एक एक को कलर करते आइए। यहाँ लिखे 1/7, 1/8, 1 को कलर करिएगा बस, 1/9 एंड 1/10, ठीक है। ईच शेप इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, ठीक है, हर शेप को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। बट हाउ मैनी, कितने हैं? ज्वाइन ईच शेप टू द करेक्ट वर्ड इन द लिस्ट, आपको लिस्ट दी हुई है, हर शेप को उसके करेक्ट वर्ड से मैच करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5th से इसको मैच किया आपने। 1, 2, 3, थर्ड कहाँ है? ये है थर्ड, से यहाँ से मैच किया आपने, ये काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th क्या है? ये यहाँ है, ऐसे मैच किया आपने। 1 and 2, half कहाँ लिखा है? यहाँ पे इसको मैच करें। 1, 2, 3, 4th क्वार्टर्स कहाँ हैं? 1/4 किसे कहते हैं? क्वार्टर्स को, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ हैं? 8 से यहाँ लिखा, ठीक है। इस तरह से ये मैच करिए। कम टू द नेक्स्ट पेज, 107 पे क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज शेडेड, ठीक है, जो हर शेप का जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या होगा? राइट योर आंसर इन द सर्कल, सर्कल में इसका आंसर लिखें। जैसे कि दो शेडेड पार्ट हैं, ठीक है, तो जो शेडेड हैं उसको ऊपर लिखें, 1 and 2, और टोटल पार्ट कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नीचे, 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शेडेड पार्ट काउंट करिए, 1, 2, 3 लिखें आप ऊपर एज अ न्यूमिनेटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज अ डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे ये कंप्लीट करें, शेड द गिवन फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं उससे आप शेड करिए। जैसे कि 2 है यहाँ पे, तो 2 में कलर कर दीजिए, शेड कर दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे आप अच्छे से कलर कर लीजिएगा, एक रहने दीजिएगा, 2/3 हो गया, ठीक है। 108 क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट दी सेट, इन सेट्स को देखिए, देन राइट द फ्रैक्शन, फिर इनके फ्रैक्शन लिखिए ऑफ ईच सेट दैट इज कलर्ड, हर सेट कलर्ड हुआ हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कितने कलर्ड हैं, यहाँ पे 2 कलर्ड हैं, 2 टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2/9, ठीक है। ऐसे ही जो कलर्ड हुए हुए हैं, कलर्ड पार्ट ऊपर और टोटल पार्ट नीचे, ठीक है। ये कंप्लीट कर लीजिए, कलर द फ्रैक्शन ऑफ द सेट एज इंडिकेटेड, जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से कलर्ड करिए। जैसे कि 1/4 है तो 1 पे कलर्ड कर दीजिए, ठीक है। ये पेज आप कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट पेज पे आइए। पेज नंबर 109 पे लुक केयरफुली एट दिस फ्रैक्शन दैन फिल इन द ब्लैंक्स, सही, इस फ्रैक्शन को ध्यान से देखिए और फिल इन द ब्लैंक्स फिल करिए। 1 हैज़ डन फॉर यू, 3/4, 3 क्या ऊपर वाले लोअर नंबर क्या होता है, वो होता है न्यूमिनेटर, और नीचे नंबर क्या होता है, वो होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। 3 ऊपर लिखा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे लिखा 4, अब जैसे कि 5 क्या है, न्यूमिनेटर, और 6 क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। बहुत इजी है, याद रखिएगा, राइट द फ्रैक्शन, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। नोमिनेटर देखें, वही ऊपर वाले नंबर को, टॉप नंबर को कहते हैं नोमिनेटर, 2 डिनोमिनेटर है 6, ठीक है। नोमिनेटर क्या है, 1, डिनोमिनेटर क्या है, 7, ठीक है। ऐसे ये कंप्लीट कर लीजिएगा। पेज नंबर 113 इन लाइक फ्रैक्शन, द ग्रेटर द नोमिनेटर द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है, और उनके अगर नोमिनेटर बड़ा है तो पूरी वैल्यू बड़ी कहलाई जाएगी, 4/8, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है। इन अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम नोमिनेटर, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, सेम नोमिनेटर होते हैं, जैसे 1/2, 1/3, सेम नोमिनेटर, द स्मॉलर द डिनोमिनेटर द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, पर जो डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर और स्मॉलर, ठीक है। अब यहाँ देखें, डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर चेंज है, तो 1/3 क्या है, स्मॉल, तो स्मॉल कैसे साइन लगाएंगे, इस तरह से स्मॉलर देन का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिल इन द बॉक्सेस, इसी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिल इन द बॉक्सेस बाय रिटन ग्रेटर और स्मॉलर,
अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर चेंज है, नोमिनेटर सेम है, तो जो स्मॉल डिनोमिनेटर है वो बड़ी वैल्यू कहलाई जाएगी 1/5 / 1/10, तो ये 1/5 जो है वो है ग्रेटर, तो यहाँ पे इस तरह से ग्रेटर देन का साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलर द बॉक्सेस विच आर करेक्ट, जो करेक्ट हैं उन पे कलर करना है, जैसे कि 1/7 स्मॉलर देन 6/7, ठीक है, ये करेक्ट है, इस पे आप कलर कर दीजिएगा। इसी तरह से आप ये कंप्लीट चार्ट को कंप्लीट करिएगा और ये काम आपको फुल स्कैप पेपर में भी करना है, सिर्फ और सिर्फ 113। ठीक, पेज नंबर 114, ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर, फ्रैक्शन में असेंडिंग ऑर्डर कैसे अरेंज करते हैं, स्मॉलेस्ट से लेके ग्रेटेस्ट तक जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। फ्रैक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे अरेंज करते हैं, ग्रेटेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट तक जाते हैं, ठीक है। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, देखें 3/8, 5/8, 2/8, 1/8, डिनोमिनेटर्स आर सेम, ठीक है, तो क्या करेंगे हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट तक जाएंगे, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, या दोनों यानी कि तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। राइट दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में देखें क्या है, डिनोमिनेटर आर चेंज, नोमिनेटर आर सेम, 1/6, 1/2, 1/4, ठीक है, तो इसको कैसे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है, किस तरह से 1/6 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू बढ़ी है 1/4, फिर 1/2, 1/2, ठीक है, ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट दीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर देखें, ए दिया हुआ है 1/4, 1/3, 1/10, अब यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा लिखा जाता है, फ्रैक्शन में सबसे बड़ा समझा जाता है, इसको 1/3 लिखेंगे, फिर उससे छोटा क्या है 1/4, फिर उससे छोटा क्या है 1/10, ठीक है, इसी तरह से ये आप पेज कंप्लीट कर लिएगा और ये पेज आपको फुल स्कैप पेपर में भी कंप्लीट करना है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज 115 पे सर्कल द बिगेस्ट टेक द स्मॉलेस्ट आपको दिया हुआ है, देखें ये आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसमें जो सबसे बिगेस्ट है उस पर सर्कल बनाना है और जो सबसे स्मॉलेस्ट है उस पर टिक लगाना है, तो सबसे बिगेस्ट क्या है, जो सबसे छोटी वैल्यू छोटा नंबर है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है फ्रैक्शन में, 1/2, तो इस पर आप सर्कल बनाइए, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो होता है सबसे स्मॉल नंबर 1/9, तो इस पर आप टिक लगाइए, ये आप कंप्लीट करिए और ये आप अपने फुल स्कैप पेपर में भी करिएगा। नीचे आ जाइए, एक्सरसाइज 3A, फिल इन द ब्लैंक्स, द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट इज, देखें ये आपको फ्रैक्शन बताना है, इसमें से शेडेड पार्ट काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऊपर लिखा, और ये देखिए टोटल पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 7/20, ठीक है, इस तरह से आपको ब्लैंक में लिखना है। राइट द मिसिंग नोमिनेटर इन 1/9, 1/9 का यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, देखें 9, 3 = 27, 3 = 3, सी पे आइए 17/5 इज़ एन, देखें इसका नोमिनेटर बड़ा है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है। डी है 3/5 इज देन 9/5, 3/5 इज डैश देन 9/5, देखें डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर चेंज है, तो 3 क्या है, स्मॉल है, स्मॉलर का साइन आएगा यहाँ पे। ई है 4/13 इज देन डैश देन 3/13, तो डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर अलग है, तो ये ग्रेटर है 4, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का निशान लगाना है, साइन लिखना है, द शेडेड पार्ट इन द फिगर रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन इज 3/8, देखें ये फिगर बनी हुई है, इसमें देखें शेडेड पार्ट है 1, 2, 3, 3 इज करेक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इज दैट ट्रू, यहाँ पे लिखिए ट्रू। 5/15 एंड 1/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बराबर हैं ये, 1, 5 = 5, 3, 5 = 15,
यहाँ पे आएगा ट्रू, ठीक है, ये इक्वल है एक दूसरे के। 7/9 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फॉल्स। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला नोमिनेटर बड़ा होता है, यहाँ पे स्मॉल है तो इसलिए फॉल्स लिखेंगे। 9/10 स्मॉलर देन 4/10 फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर आएगा, यहाँ पे आप इस फॉल्स लिखिए। इन द फ्रैक्शन 2/5 5 इज़ द नोमिनेटर, रॉन्ग, फॉल्स आएगा यहाँ पे, 5 डिनोमिनेटर है। पेज नंबर 116, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/7 इज, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14। तो ये कहाँ है, ये है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। बी है, इन द गिवन फिगर द शेडेड पार्ट इज, देखें शेडेड पार्ट दिया हुआ है, देखें इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, टोटल है 6, 4/6 ये सही है। सी है 4/9 एंड 3/10 आर अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक। डी है 37/5 इज, क्या होता, कौन सा फ्रैक्शन होता है, अलाइक फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर नोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। ई है, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, नोमिनेटर से बड़ा होता है, ग्रेटर देन द नोमिनेटर, इस पर टिक लगाइए। सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सही है, सर्कल बनाना है, यहाँ देखें शेडेड वन पार्ट है, वन पे शेड है, और टोटल कितने, 1 2 3 3, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, यहाँ नेक्स्ट करिए 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1/6 वन कलर्ड है, यहाँ पे आप सर्कल बना दीजिए। इसी तरह से ये आप कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कलर द ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप टू शो द फ्रैक्शन, ठीक है, कलर करना है, फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं, वन जैसे कि वन एप्पल में कलर कर लीजिएगा, 1/2 हो गया, 1/2, ठीक है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा।